हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्लास 12th एंड सीईआरटी बुक सीरीज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 20 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा है 21 लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी लेक्चर 20 में हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के एग्जांपल्स के थे। आज हमारे पास उसके क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x+17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 3x+17 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो कल आपने वर्किंग रूल में सीखा था कि अगर आपको गिवन क्या है, फंक्शन ऑफ x, आप फाइंड कीजिए एफ डैश ऑफ x। एफ डैश ऑफ x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 तो 3 है, x का आ जाएगा 1, तो 3 into 1 17 कांस्टेंट है, 3 आएगा। और आपने क्या देखा कि एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ r, फॉर ऑल x इज अ वैल्यू ऑफ रियल नंबर, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कल हमने यही सीखा था कि अगर f ऑफ कोई फंक्शन है, f डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 होता है एट एनी इंटरवल, उसके जो पॉइंट्स है उसके किसी भी इंटरवल में अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपने इसको प्रूव कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू e^2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो फंक्शन ऑफ x आपका क्या है, e^2x। f डैश x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ e^2x विद रिस्पेक्ट टू x। e का 2x क्या है, कांस्टेंट है, तो e के 2x को अगर आप लोगे, e के 2x का क्या होगा, e^2, यानी आपने सीखा था ये फॉर्मूला, दिखाते हैं हमने डेरिवेटिव के अंदर ये फॉर्मूला आपको बताया था कि d/dx ऑफ e^x क्या होता है, e का पावर x ही होता है, राइट। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, अपने 11th में भी सीखा है, इसे पहली वाली क्लास में भी समझा चुका है। और आप जानते हो, आपको बताया गया था चेन रूल, या आप देखोगे इसमें कि जैसे आपका ये फंक्शन है, जैसे आप निकालना चाहते हैं d/dx और e की x की जगह हमारे पास क्या है, e^2x है। तो अगर e^2x का अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, e^2x यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, e^2x किसका फंक्शन है, 2x का। तो सबसे पहले आप x को 2x के फंक्शन में करोगे, ये 2x आ जाएगा। अब 2x को डेरिवेटिव निकालोगे x में तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो आपका जवाब होगा 2e^2x। देखो यहाँ e^2x इंटू d/dx ऑफ 2x आ गया, e का 2x इंटू 2, दैट इज 2e^2x। अब आप जानते हो कि दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, राइट। सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। आप जानते हैं कि e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.71, इसको याद रख सकते हो, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या है, कि दैट इज e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718, राइट। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑन। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन के लिए तो थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू sin x इज
is sin x. His first question कह रहा है strictly increasing 0 to pi by 2 and b part is strictly decreasing in pi by 2 to pi. और कह रहा neither increasing or nor decreasing 0 to pi. ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किया था. तो सबसे पहला काम है फंक्शन आपका sin x f dash of x यानी derivative of sin x with respect to x. आप जानते हो cos x है. फर्स्ट केस कहता है कि that is f dash of x equal to cos x. अब आप देखिए कि ये जीरो से पाई बाई टू के अंदर ये क्या होगा. तो आप जानते हो जीरो से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं. सो cos x इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज फर्स्ट दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज जीरो टू पाई बाई टू. सो f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीरो से पाई बाई टू. जीरो टू पाई बाई टू में क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा इसी का जो बी पार्ट है बी पार्ट को देखो. तो बी पार्ट के अंदर आपका जानना है बी पार्ट के अंदर आप देखोगे कि बी पार्ट हमें क्या कह रहा है. तो बी पार्ट आपका है कि डेट इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड दिस इज लेस देन जीरो इन बिकॉज पाई बाई टू से पाई क्या है डेट इज पाई बाई टू टू पाई. 90 से 90 के बीच में आप देखोगे तो ये जो नंबर है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव. सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू टू पाई. तो बिकॉज एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज पॉजिटिव इन दिस एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस इज लेस देन जीरो एंड लेस देन जीरो. सो एफ डैश डज नॉट कीप द सेम साइन इन द इंटरवल जीरो टू पाई. जीरो से पाई में ये सेम साइन नहीं रख रहा है. पाई बाई टू से पाई में तो ये पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है और जीरो से पाई बाई टू में ये पॉजिटिव है. तो सेम साइन नहीं है. सो दैट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर. तो क्वेश्चन नंबर अगर फोर की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका फोर. क्वेश्चन फोर में आप देखोगे कि बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है ये. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस एंड फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बी. अब हमें निकालना इंटरवल. ऐसा भी क्वेश्चन ने एग्जांपल में सीखा था कि सबसे पहले टू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है इसका आप डिफ्रेंशिएट करो. तो टू तो आपका कॉन्स्टेंट है. जैसे आपको यहाँ अगर हम दिखाते हैं डेरिवेटिव इसका तो आपने ये सीखा था कि कोई भी फंक्शन दिया गया है जैसे मान लो अगर आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा टू तो आपका कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा टू एक्स राइट और माइनस में थ्री कांस्टेंट है एक्स का क्या होगा वन. तो ये आपको मिल जाएगा फोर एक्स माइनस में ये 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव. अब आपको इंटरवल निकालना है. रूल कहता है पुट f डैश x इक्वल टू 0. अगर f डैश x को 0 करो और फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इंटरवल तो आप देखोगे कि दैट इज ऑन द f ऑफ 4x माइनस 3 इज 0 देन f 4x इक्वल टू 3 एंड x इज 3 बाय 4 दैट इज 0.75 राइट. अब आप देखोगे दिस टर्निंग पॉइंट डिवाइड द रियल लाइन इनटू द टू डिसजॉइंट सब इंटरवल. ये आ गया आपका 4.075 यानी 3/4. अब ये टोटल नंबर लाइंस को देखोगे 3/4 है. ये अप टू इंफिनिटी और ये लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इंफिनिटी. अब आप इसको चेक करोगे ये इंटरवल ले लिया आपने साइन एफ डैश एक्स की वैल्यू 4x-3 को चेक करेंगे इसका नेचर क्या होगा. तो आप देखोगे कि माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच है यानी माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी नंबर आप देखो. जैसे ये 0.75 है आप इसमें से कोई भी नंबर ले लो 0.50 ले लो यानी 0.5 पुट करो. अगर आप 0.5 पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा इसकी जो x अगर आप 0.5 लेते हो तो क्या होगा जैसे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन जीरो. तो एफ डैश लेस देन जीरो होगा दिस इक्वल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसी तरह से आप देखोगे कि अगर हम नेक्स्ट पोर्शन में चेक करते हैं ध्यान तो अगर हम इसके नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम लेते हैं
नेक्स्ट पोर्शन में आप देखोगे 3/4 to infinity, ये 3/4 infinity के बीच कोई भी नंबर आप लेते हो तो ये था 0.75, आपने 1 ले लिया, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो पता चला कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फॉर 3/4 to infinity एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -infinity to 3/4, राइट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इससे पहली वाली क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है, पहले इसको क्लियर करते हैं। 5 में आप देखोगे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज। सेम क्वेश्चन है, ये दे रखा आपको फंक्शन, आपको इंटरवल निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट इज वेरी इजी। सबसे पहला काम क्या है, 2x³ - 3² - 36 + 7 है, आप निकालिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो फिर आप वही जानते हैं, यहाँ पे दिखाएं अगर आपको, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम इसको यहाँ पे इस लाली लाइन जो है हमारी दिस लाइन, इसको यहाँ ऊपर में अगर हम दिखाएं कि डेट इज एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेट इज आपको दे रखा है 2x³ माइनस में आपके पास है 3x² और माइनस में आपके पास है 36x और प्लस में 7, राइट। और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूल क्या सीखा, 2 अपनी जगह पे, x³ को डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 पहले आएगा और 3 - 1, यानी ये आपको देगा 3x² फिर माइनस में 3 आपके पास कांस्टेंट है, x² का 2 पहले आएगा और 1 लेस होगा, तो आपको क्या देगा ये 2x, माइनस में क्या आ गया 36 और ये 7 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 0। तो आप देखोगे फाइनली आपके पास मिलेगा 3 × 2 = 6x² माइनस में आ जाएगा आपका 6x और माइनस में आ जाएगा आपका 36, तो 6² - 6x - 36 भी निकल गया। अब आपका रूल क्या कहता है, आपने भी सीखा था कि कभी भी हमें इंटरवल अगर निकालना है जस्ट पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू को 0 के बराबर करो। अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू को 0 के बराबर करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो आपने देखा 6x² - 6x - 36, तो आपका ये पॉइंट था, हमने क्या किया पहले इसमें से 6 कॉमन ले लिया, x² - x एंड - 6x। अब आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया, यानी आप इसको डायरेक्ट फैक्टर बना दो। तो फैक्टर बनाने का तरीका ध्यान दो, पहले भी हम बता चुके हैं फैक्टर निकालना आपको समझा चुके हैं और दोबारा से आपको बता रहे हैं फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ हमारे पास जो नंबर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नंबर है 6 तो अपनी जगह पे, राइट, ये 6 आपके अपनी जगह, ये हमारा है x², दिस इज -x एंड -6। अब फैक्टर का रूल क्या कहता है कि 6 को अपनी जगह पे रखो और ये जो नंबर है 6 को अगर ब्रेक करो 2 × 3 = 6 लेना है निगेटिव, तो ये आ जाएगा x² और ये आपका आ जाएगा -3x प्लस का आ जाएगा आपका 2x और माइनस में 6, माइनस का क्या आ गया 6। अब आप देखोगे अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं, अगर आप कॉमन लोगे इसके अंदर तो 6 अपनी जगह पे है, यहाँ पे क्या होगा x आ जाएगा आपका, तो ये मिलेगा x माइनस का 3 और प्लस में 2 ले लोगे तो फिर ये क्या मिलेगा x माइनस 3, राइट, ये आ जाएगा आपका x माइनस का 3, यहाँ पे x माइनस 3। चलो इसको रब करते हैं, दोबारा बताते हैं ध्यान, आपको ये बताया हम यहाँ लेते हैं ध्यान दें, ये जो हमारा पोर्शन है इस पोर्शन को हम यहाँ लेके आते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको कि जैसे ये आपने देखा 6 है और यहाँ x² था, 6 को आपने ब्रेक किया 2 × 3 = 6, ये आपको मिलेगा माइनस का 3x और ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x माइनस का 6, राइट। अब आप देखोगे ये तुम्हारे पास 6 है और ये आ जाएगा x² माइनस का, अगर आप 3x और 2x में कॉमन क्या ले सकते हो,
ये 6x2 था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x, तो आपने इसमें एक्स स्क्वायर यानी x की x कॉमन लो, x अगर आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस का 3, और यहाँ पे दो कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 3, राइट। नाउ यू विल गेट 6 लिया आपने, दैट इज x प्लस 2 एंड दिस इज x माइनस 3, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री कॉमन, यू विल गेट एक्स प्लस टू, यही चीज यहाँ लिखा गया है। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये नंबर आ गया एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब आपने सीखा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो 6 × 2 में एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री जीरो, तो 6 कैन नॉट बी जीरो, तो एक्स प्लस टू जीरो, एक्स विल गेट माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री जीरो, इट विल गेट थ्री, तो वैल्यू क्या आई माइनस टू एंड थ्री, ये अपने नंबर लाइन पे माइनस टू थ्री इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, इसके चार इंटरवल्स है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू टू थ्री एंड थ्री टू इन्फिनिटी। अब आप इसकी वैल्यू पुट करके देखो एफ डैश एक्स में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आती है या निगेटिव, अगर पॉजिटिव आती है दैट इंक्रीजिंग, और निगेटिव आती है तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो चलो चेक करते हैं ध्यान दो, आपने देखा कि ये हमारा इंटरवल है, तो हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, और आप देखोगे कि अगर एक्स की जगह आपने क्या लिया माइनस टू, माइनस टू इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच का नंबर लेना है, तो यानी माइनस टू से लेस लेना है, तो माइनस थ्री लिया आपने, अगर आप माइनस थ्री लोगे तो माइनस थ्री प्लस टू डेट इज निगेटिव, और यहाँ पे आपका आ जाएगा निगेटिव, तो प्लस आ गया, और ये आपका तो प्लस है निगेटिव निगेटिव, तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, राइट, एंड दिस इज माइनस टू एंड थ्री, तो कर टेक एक्स इक्वल टू टू से, देन फ्रॉम द फर्स्ट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा प्लस प्लस प्लस, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन जीरो, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस टू एंड थ्री। नाउ आप लोगे थ्री टू इन्फिनिटी, तो टेक एक्स इक्वल टू फोर, देन फ्रॉम फर्स्ट यू विल गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, सो दिस इज ग्रेटर देन, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट इन थ्री टू इन्फिनिटी, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी माइनस टू एंड थ्री टू इन्फिनिटी, और आप देखोगे इसके अंदर सो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस टू टू थ्री। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने इसके बीच से पहली वाली क्लास में ये हमने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द इसमें इंटरवल पता करना कि बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या है। आपने देखा एफ ऑफ एक्स इट इज फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जानते हो 2x, 2x का जानते हो 2, 2 कॉमन ले लो इंटू एक्स प्लस 1। नाउ पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 2 × x plus 1, 0, so you will get x plus 1, 0, x equal to minus 1, so x क्या आ गया minus 1। अब आप देखोगे कि अगर हम f dash x में x की जगह minus 1 put करते हैं तो minus 1 आ गया, तो इसकी limits क्या बनेगी यानी interval क्या बनेगा minus infinity to minus 1 और minus 1 to infinity। अब इसका table तैयार करो, minus infinity से minus 1 अगर आप इसमें put करते हैं यानी कि आपने माइनस टू ले लिया सपोज, तो क्या जाएगा नेगेटिव लेस देन जीरो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। आप देखोगे माइनस वन टू इन्फिनिटी टेक एक्स इक्वल टू जीरो, देन फ्रॉम फर्स्ट एफ डैश क्या आ जाएगा प्लस का जीरो ग्रेटर देन जीरो, सो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग है और वो डिक्रीजिंग है, क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस वन टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल लिखो या एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, एक ही बात है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल लिखो या एक्स लेस देन माइनस वन, एक ही बात, राइट। ये था आपका पहला पार्ट। अगर आप सेकेंड पार्ट की बात करोगे दैट इज 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो 10 तो कॉन्स्टेंट है, 10 का क्या आ जाएगा 0, और ये माइनस 6x का जाएगा माइनस 6x, और माइनस 2 स्क्वायर का क्या आएगा माइनस 2 इंटू 2x दैट इज 4x, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा 4x। अब आप देखोगे 2 कॉमन ले लिया तो दैट इज माइनस 2, 3 प्लस 2। एफ डैश एक्स को 0 करोगे ये आपके 0 करोगे। अब आप देखो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0,
माइनस टू कैन नॉट बी जीरो, सो थ्री प्लस टू एक्स जीरो, सो टू एक्स इक्वल टू वॉट माइनस थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू है तो इसकी लिमिट्स क्या बनेगी, माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू टू इनफिनिटी। अब आप इसका चेक करो टेबल बनाकर इसकी वैल्यू क्या हो, माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री बाई टू देखोगे दैट इज अगर कोई भी नंबर लेते हो ये कितना जाएगा माइनस का 1.5, तो माइनस 1.5 इसने माइनस टू ले लिया दैट इज ये निगेटिव आ जाएगा, इट विल गेट पॉजिटिव, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। नाउ माइनस थ्री बाई टू टू इन्फिनिटी टेक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन से देन फ्रॉम फर्स्ट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो आप देखो माइनस वन अगर पुट करोगे दैट इज टू इंटू माइनस वन माइनस टू दिस वुड बी पॉजिटिव। तो आप ये देखोगे कि अगर हमारे पास माइनस थ्री बाई टू से इन्फिनिटी है यानी माइनस से स्टार्ट करना और ये कहाँ तक आ गया इन्फिनिटी तक आ गया, तो आपने इसमें क्या लिया इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 1.5, तो माइनस 1.5 से ये आगे जा रहा राइट की तरफ, तो आपने माइनस वन लिया। जब आप माइनस वन पुट करोगे तो थ्री इंटू में प्लस का टू इंटू माइनस टू ये क्या जाएगा निगेटिव, सो दिस इज लेस देन जीरो, सो दिस इज डिक्रीजिंग, so that this function is strictly increasing this function and strictly increasing in sorry decreasing in this function and increasing in this function. So aapke paas ye increasing ka interval hai minus infinity to minus 3 by 2, aap isko likh sakte ho x less than minus ka 3 by 2, aur dusre case mein minus 3 by 2 infinity to aap likh sakte ho x greater than minus 3 by 2, right? isi ke agar aap c part dekhoge to ye diya hua hai aapko, अगेन आप इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस टू ऑलरेडी है, अगर किसी बच्चे को डेरिवेटिव मैं कई बार सिखा चुका हूँ एक प्रॉब्लम चेक कराते हैं देखो, तो अगर आपने निकाला एफ, अगर आप निकालते हो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की अगर हम बात करें एफ डैश ऑफ एक्स देखो, तो आपने देखा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स आपने कितना दिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको माइनस का टू एक्स क्यू, टू एक्स क्यू एंड तो आप देखोगे कि हमें अगर एफ डैश ऑफ एक्स, तो आप देखोगे यहाँ कि हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स ये हमें क्या गिवन है माइनस का टू एक्स क्यू, माइनस टू एक्स क्यू, और ये दिया गया आपको नाइन एक्स स्क्वायर, और ये दिया गया है माइनस का ट्वेल्व एक्स, राइट, और प्लस में अगर आप निकालोगे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है कि आपको निकालना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का टू एक्स क्यू और माइनस में नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस में, राइट। अब आप देखोगे अगर हम इसको आगे लिखते हैं माइनस टू तो आपका कॉन्स्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा, राइट, और ये थ्री एक्स क्यूब है तो थ्री पहले आएगा, और ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, राइट, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो आप देखोगे कि ये आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, तो हमने जो निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो ये देखोगे कि माइनस का तुम्हारा सिक्स जो माइनस का टू है और ये एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरह से माइनस का नाइन अपनी जगह पे और एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा डेट इज टू एक्स, फिर आप देखोगे माइनस ट्वेल्व एक्स, तो माइनस का ट्वेल्व अपनी जगह पे है, एक्स का क्या आ जाएगा वन, और ये कॉन्स्टेंट था इसका क्या आ जाएगा जीरो, राइट।
तो आपको क्या मिला, ये मिला आपका माइनस का 6x2 माइनस का आपको मिला 18x और माइनस का, तो देखो इसको यही मिला है 6x2 माइनस 18x माइनस का राइट। अब इसने क्या किया, अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हो डेट इज माइनस 6 कॉमन ले, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज x2 माइनस 6 3 18 3x और माइनस 6 2 12, इसको क्या मिला x2 प्लस 3x प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ये भी आ जाएगा पॉजिटिव राइट, x2 प्लस 3x प्लस। अब आप इसको फैक्टर बनाओगे तो यही सिखाया गया है फैक्टर में, अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनाते हो तो क्या सिखाया गया है, ये माइनस का 6 है और यहाँ आप देखोगे कि 2 1 2, इसको आप लिख सकते हो x2 प्लस में आपका आ जाएगा 2x प्लस में आ जाएगा x और प्लस में, अगर आप देखोगे ये माइनस का 6 है और यहाँ x आप कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा x प्लस टू और ये आ जाएगा आपका x2 2x प्लस एक्स प्लस में ये 2 है आपका, तो यहाँ पे x x+2 फिर आप 1 कॉमन ले लो तो ये भी क्या मिलेगा x प्लस में आ जाएगा आपका 2 राइट। अब आप देखोगे ये आपको मिलेगा माइनस का 6 इंटू में आ जाएगा x+2, ये आ जाएगा x+2 एंड x+1 राइट, यही आपने निकाला था कि माइनस 6 x+1 x+2, जब ये आ जाएगा तुम्हारा, अब रूल है कि f'(x=0) जब आप इसको जीरो करोगे तो माइनस कैन नॉट बी जीरो, सो x+1 0 और x+2 0, तो x is -1 x is -2, तो आपकी वैल्यू क्या आई -1 -2, तो माइनस आप देखोगे नंबर लाइन में अगर आप लिखोगे इसको तो क्या होगा दैट इज -1 के लेफ्ट में आ जाएगा -2, तो इसकी जो इंटरवल्स क्या बनेंगी 4, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से -1 और -1 to infinity, ये 3 इंटरवल। अब इस 3 इंटरवल को आप चेक कर सकते हो, अब आप देखोगे अगर हम इसको चेक करते हैं तो आप देखो कि इसका जो टेबल्स आपको दिया गया है, टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल से आपको ये सारे पता चल जाएंगे, तो अगर हम पहले इसको हटाते हैं ध्यान, आप देखोगे कि हमारे पास ये 3 लिमिट्स हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 की अगर हम बात करें तो साइन एफ डैश एक्स में ये है, इस माइनस इन्फिनिटी -2 के बीच का नंबर है तो -3 लिया, जब -3 लोगे तो -3 + 1 निगेटिव, -3 + 2 निगेटिव एंड दिस इज निगेटिव, निगेटिव 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 ही होगा, तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिग्री। और आप -2 और -1 ओपन इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर लेते हो, यानी -2 से -1, यानी -2 से -1 के बीच का नंबर लेना है, तो -2 से -1 बीच का नंबर लेना है तब क्या लोगे, इसने ले लिया है माइनस का 1.5, तो मान लीजिए आपने ले लिया -1.5, तो -1.5 अगर आप पुट करोगे इसमें तो ये क्या होगा -1.5, ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, और ऑलरेडी ये निगेटिव है तो दिस ऑल्सो निगेटिव, माइनस इंटू माइनस और ये आ जाएगा आपका कितना पॉजिटिव, -1.5 + 2 पॉजिटिव आएगा, तो दिस विल गेट पॉजिटिव, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। फिर आप देखोगे -1 to infinity लोगे तो -1 से infinity में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट किया तो -++ ये देगा माइनस, तो दिस इज <0, इसे> स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो पता चला कि -infinity से -2 और -1 से infinity स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और -2 1 पे क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट। चलो इसी का आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट हमारा इसी क्वेश्चंस का डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट तुम्हारे पास है कि डेट इज, डी पार्ट हमारा ध्यान दो,
डी पार्ट में आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स है 6 - 9x - स्क्वायर, तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर वही कहानी है, 6 आपका कॉन्स्टेंट 0, -9 2x एंड -9 2 1, -9 और -2 हो जाएगा -2। अब नाउ दिस इज दिस इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करोगे, एफ डैश ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, तो -9 2x ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, -2 ग्रेटर देन 9 और एक्स इज लेस देन -9 बाय 2, तो एक्स माइनस का 2x ग्रेटर देन 9 है, तो एक्स की जो वैल्यू निकालोगे वो क्या होगा, 9 - 2, माइनस का 9 बाई 2, एक्स इज लेस देन -9 बाई 2 से क्या है, लेस है, तो -9 बाई 2 से लेस है, तो एफ क्या होगा, ये एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस इन द इंटरवल ऑफ दिस, ये क्या होगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू -9 बाई 2 आ गए, तो -9 बाई 2 आ गए, अब देखो इसकी इंटरवल क्या बनेगा, तो -∞ से -9 बाई 2, तो -∞ से -9 बाई 2 की अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो उसमें क्या होगा, लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो -9 - 2 लेस देन 0, -2x लेस देन 9 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -9, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, -9 बाई 2 टू इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, -9 बाई 2 टू इन्फिनिटी। अगला पार्ट देखो, इसी का ई पार्ट था, फंक्शन दे रखा x प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, तो आप जानते हैं इसमें यहाँ भी सेम बात है, कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है और आपसे बोलता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करो और एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप देखोगे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दो, कल भी सिखाया था हमने, और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें, प्रोडक्ट रूल में आपको ये सिखाया गया है कि अगर आपके पास डी बाय डी एक्स ऑफ यू कोई दो फंक्शन, तो रूल कहता है कि फर्स्ट को छोड़ दो, दिस वन इज डी यू बाई डी एक्स, फिर रूल कहता है सेकेंड को छोड़ दो एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। तो अब यहाँ देखो कि अगर तुम्हारे पास x प्लस 1 का होल क्यूब था तो x माइनस 3 का होल क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे, 3 पहले आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 3 × 3 का 2 आ गया, और प्लस में x, ये तो हो गया फर्स्ट का, अब दूसरे को छोड़ो, x 3 का क्यूब छोड़ दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, x का 3 × x + 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, तो ये आ जाएगा 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूटेस, इसको सॉल्व करके ये आ गया, अब आप देखोगे कि दिस आर द नॉन नेगेटिव, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है, और ये नंबर आपका इफ फॉर ऑल एक्स, तो एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 दैट इज एक्स ग्रेटर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 1 इफ इट इज डिक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग, if that is less than 0, that is x minus 1 is less than 0. So the function is strictly increasing on in this one, strictly decreasing on in that function. Clear hai? So ye tha aapka question 6. So aaj tak, aaj ke liye yahi tak, aaj humne question 6 tak sikhe hain. Next class mein isse aage sikhayenge. So aapka kaam ye hai ki jitne bhi questions aapko karaye jaate hain yahan, isko achhi tarah se aap practice karo. और कोई सी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, उसको हम दोबारा से भी आपको समझाएंगे, तो अगर आप तो आई थिंक रेगुलर अगर आप हमारी क्लास को अटेंड करते हैं तो आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के अंदर शेयर भी करो, और अगर आप चाहते हो हमारी ऑनलाइन क्लास लेना जूम ऐप पे, जिसपे हमारी 1-to-1 क्लासेस भी होते हैं, ग्रुप के साथ भी क्लासेस हैं, जूम ऐप पे आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं, इसमें फ्री डेमो क्लासेस होती है, 2 दिन की आपकी फ्री डेमो क्लास है, फ्री डेमो क्लास की कोई फीस नहीं होती, और आपको अच्छा लगता है तो आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो फ्री के लिए आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर आप इसको लगातार आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।